ये जो नवरत्न है इसमें 9 ज्वेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर फेमस इन द आर्ट एंड कल्चर, दे आर पोएट्स, दे आर एडमिनिस्ट्रेटर, इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर्स एंड ऑल. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस. टुडे आई विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, जिसे हम नवरत्न बोलते हैं. आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इतिहास में सिर्फ 2 राजा थे जिसके पास नवरत्न था. वन किंग वाज चंद्रगुप्त सेकंड ऑफ द गुप्ता, हु इज टू मेंटेन नवरत्न्स स्पेशली इन द कोर्ट ऑफ उज्जैन, एंड सेकंड पर्सन वी हैव अकबर. ये जो नवरत्न है इसमें 9 ज्वेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर फेमस इन द आर्ट एंड कल्चर, दे आर पोएट्स, दे आर एडमिनिस्ट्रेटर, इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर्स एंड ऑल. Let us discuss the name of these Navratans one by one. तो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नवरत्न हमारे पास है वो है अबुल फजल. अबुल फजल स्पेशली दिस पर्सन अबुल फजल इज नोन फॉर द राइटिंग ऑफ 2 इंपॉर्टेंट बुक. एक ही की पार्ट है जो इंपॉर्टेंट राइटिंग है उनकी, वो है आपकी अकबरनामा, और अकबरनामा में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आइन अकबरी. सो ही हैज रिटन द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ आइन अकबरी एंड अकबर्स लाइफ. ओके, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. तो फर्स्ट नवरत्न है हमारे पास, उसका नाम है अबुल फजल. उसके बाद अबुल फजल के जो भाई थे, है ना, तो फर्स्ट वे अबुल फजल, देन हिज ब्रदर अबुल फैजी. अबुल फैजी इज अ इंपॉर्टेंट पोएट एंड राइटर हु हैज रिटन सो मेनी पोएट्रीज फ्रॉम द टाइम ऑफ द अकबर्स टाइम. तो ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमारे पास दूसरे इंपॉर्टेंट है तानसेन. तानसेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन स्टूडेंट. तानसेन जो थे वो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं और उसको अकबर अपने फोर्ट में लाते हैं, एंड ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन. कहा जाता है कि अपने सिंगिंग से ही कैन ब्रिंग डाउन द रेन्स एंड ही कैन ब्रिंग द पीकॉक फ्रॉम द फॉरेस्ट, है ना. इवन ही कैन डाइवर्ट द रूट्स ऑफ द रिवर्स थ्रू हिज रिदम ऑफ द सॉन्ग. ओके, सो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. वी हैव द, व्हाट इज द नेम, द नेम इज तानसेन. देन वी हैव टोडरमल. टोडरमल भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, स्पेशली ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर्स टाइम, एंड ही इज नोन फॉर द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन द टाइम ऑफ अकबर्स. उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पर्सन है रहीम दास. रहीम को हम बोलते हैं रहीम खाने खाना. इनिशियली यू शुड बी सरप्राइज टू नो दैट रहीम वॉज द सन ऑफ बैरम खान. रिमेंबर, बैरम खान इज द सेम पर्सन हु वॉज अ रिजेंट ऑफ अकबर इन द इनिशियल टाइम, है ना. तो अकबर के रिजेंट थे शुरुआत में 1556 से 1560 के बीच में. पर जब रहीम की, जब बैरम खान की डेथ हो गई थी, उसके बाद अकबर हैड मैरिड बैरम खान विडो एंड ही बिकम हिज स्टेप सन रहीम, है ना. ही हैज रिटन सो मेनी पोएट्री विच आर एसेसली रेड बाई द स्टूडेंट इन द क्लास 7 एंड क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी ऑल्सो. ओके, देन वी हैव मुल्ला दो प्याजा. ही इज अ इंपॉर्टेंट सूफी संत एंड ही इज अ राइटर ऑल्सो. ही इज अदर 9 जेम्स. हकीम हुमान इज अदर पर्सन. बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 आदमी है उनका नाम है मान सिंह एंड बीरबल. मान सिंह जो थे अकबर के एक तरह से सर बेटे लगेंगे, है ना. मान सिंह वाज दी निफ्यू ऑफ वाइफ ऑफ अकबर, है ना. जो उनकी जो वाइफ थी हरका बाई, उनके निफ्यू थे. मान सिंह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना. ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दैट वी नो अबाउट हिम, है ना. मान सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. उसके बाद हमारे पास है बीरबल. बीरबल तो आप जानते होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टोरीज है बीरबल की, है ना. सो मेनी स्टोरीज ऑफ बीरबल्स आर फेमस इन द वर्ल्ड. सो दीज आर द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर्स टाइम. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें 9 ज्वेल्स में, 3-4 इंपॉर्टेंट की, एक अबुल फजल है, मान सिंह है, और उसके बाद हमारे पास है बीरबल. है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई. इसके बाद ये लोग, दीज पीपल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अकबर्स टाइम एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर ऑल्सो. लेटर वन, दो लोग अकबर के टाइम पे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थे जब उनकी डेथ होती है. उनका नाम था राजा मान सिंह एंड मिर्जा अजीज टोटा. दे वर सो इम्पॉर्टेंट दैट दे डिड नॉट वॉन्ट जहांगीर द फर्स्ट सन ऑफ अकबर टू सक्सीड हिम. दे वॉन्टेड फर्स्ट सन ऑफ जहांगीर टू बिकम द सुल्तान, दैट इज खुर्रम. लेकिन दोनों में फाइट होती है एंड फाइनली जहांगीर, दैट इज अ सलीम ऑल्सो, तो सलीम राजा बन जाते हैं. एंड उसके बाद द एम्पायर जो है, द मुगल एम्पायर केम अंडर कंट्रोल ऑफ जहांगीर ऑल्सो, एंड हिज सन वॉज ब्लाइंडेड एंड देन ही हैड डाइड लेटर ऑन. ओके, जहांगीर हैड ऑल्सो किल, यू नो दैट ही हैड किल्ड द 5th गुरु ऑफ सिख ऑल्सो. सो हमने देखा दिस 9 ज्वेल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आपने क्या देखा कि 9 ज्वेल के अलावा ये दूसरी जो राजा थी जो 9 ज्वेल्स रखते थे, उनका नाम था समुद्रगुप्त. उसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड ऑफ गुप्ता एम्पायर. अपार्ट फ्रॉम इट, लेट मी टेल यू, वी हैव द किंग कॉल कृष्णदेवराय ऑफ द विजयनगर एम्पायर, हु ऑल्सो यूज टू मेंटेन 8 ज्वेल्स, जिसे हम अष्ट दिग्गज बोलते हैं. इन द अदर वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट
that topic also yesterday. Okay, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our Plutus IAS YouTube channel.